हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग सीएसआईआर नेट जून 2021 वाले पेपर का सोल्यूशन कर रहे थे, जिसका एग्जाम हुआ था 16 फरवरी 2022 को। इसमें मैं 5 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप जरूर देखिए। क्योंकि आप जो है आगामी जो जून में एग्जाम मतलब प्रस्तावित है, जो इस साल जो है एग्जाम प्रस्तावित है, उसकी तैयारी में लगे होंगे, तो उसमें उसकी तैयारी में ये जो वीडियोज होंगे ना, वो काफी आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बेल का आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स लगातार आपको मिलते रहे। ठीक है, आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है वो जनरल एप्टीट्यूड वाले पोर्शन से है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन ये था कि अ बुक हैज 40 पेजेस एंड ईच पेज हैज एक्स लाइन्स। ठीक है, एक बुक में 40 पेज है और हर पेज में कितनी लाइन्स है, एक्स लाइन्स है। ठीक है, इफ द नंबर्स ऑफ लाइन्स वर रिड्यूस्ड बाई 2 इन ईच पेज, द नंबर ऑफ पेजेस वुड इंक्रीज बाई 10 फॉर द आइडेंटिकल टेक्स्ट, वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखिए अगर हम लोग इसको ऐसे समझें कि एक बुक में जो 40 पेज है, ठीक है, और हर पेज में कितनी लाइन्स है, एक्स लाइन्स है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब टोटल लाइन्स अगर हम निकालना चाहें इस इंफॉर्मेशन से, अगर मैं टोटल लाइन्स की संख्या निकालना चाहूँ, ठीक है ना, टोटल लाइन्स की संख्या निकालना चाहूँ कितना हो जाएगा, तो एक पेज में एक्स लाइन है तो 40 पेज में कितनी लाइन्स हो जाएंगी, 40 एक्स लाइन्स हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, इफ द नंबर ऑफ लाइंस वर रिड्यूस्ड बाय 2, लाइंस को क्या कर दिया जाए, 2 कम कर दिया जाए। ठीक है, पहले लाइंस कितनी थी, एक्स लाइन थी, अब लाइन को 2 रिड्यूस कर दिया जाए तो लाइन कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 2। ठीक है, लाइन हमारी कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 2 कहा जा रहा है। देन अगर देखिए लाइन जब कम करेंगे तो नंबर ऑफ पेजेस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ पेजेस वुड इंक्रीज बाय 10, तो पहले कितना पेज था 40, अब कितना पेज हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों को भी मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहां से भी क्या आने वाली है, टोटल लाइंस आने वाली है, यहां से भी क्या आने वाला है, टोटल लाइंस आने वाली है। ठीक है ना, और कहा जा रहा है फॉर द आइडेंटिकल टेक्स्ट, टेक्स्ट तो उतना ही लिखना है, मतलब लाइंस की संख्या तो उतनी ही लगनी है। ठीक है ना, इसका मतलब इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, तो यहां से मैं अगर इक्वेट कर दूं तो 40x इज इक्वल टू 50 इंटू कितना मिलेगा, x माइनस 2 मिलेगा। ठीक है ना, तो यहां से कितना हो जाएगा, 40x इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 50x, और माइनस कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, 50x माइनस 40x कितना हो जाएगा, 10x, 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो जनरल एप्टीट्यूड वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं, जो कि आपकी सफलता में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए उस पोर्शन को आप छोड़ नहीं सकते हैं या उस पोर्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी लगातार आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आगामी जो होने वाला एग्जाम है, ठीक है, उसमें जो है आपको मार्क्स अच्छे से अच्छा मिल सके, आपकी रैंकिंग अच्छी आ सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि इफ 2 विंडोज ऑफ ए बिल्डिंग आर एग्जैक्टली 1 अबव द अदर। ठीक है, अच्छा एक बिल्डिंग में बना लेता हूं, यहां पे एक बिल्डिंग है और इसमें 2 विंडो है, मान लीजिए यहां पे एक विंडो में बना देता हूं, ये विंडो का लोअर एज है, ये विंडो का अपर एज है। ठीक है ना, इसमें कहा जा रहा है एक और विंडो में बना देता हूं, यहां पे हम लोग एक और विंडो बना लेते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है 2 विंडोज ऑफ ए बिल्डिंग आर एग्जैक्टली 1 अबव द अदर एंड देयर लोअर एजेस आर 2 मीटर एंड 4 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है ना, लोअर एज और अपर एज की बात किया है। ठीक है ना, लोअर एज और अपर एज, तो विंडो है तो यहां पर देखिए ये इसका मैं क्या बोल रहा हूँ, अपर एज, इसका मैं क्या बोल रहा हूँ, लोअर एज। तो यहाँ पे भी देखिए जो दूसरा विंडो है, इसका ये अपर एज, इसका ये क्या हो जाएगा, लोअर एज। कहा जा रहा है 2 मीटर और 4 मीटर का, इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि अगर मैं यहां से ग्राउंड एक बना दूं कहीं, ठीक है, ये ग्राउंड है, तो जो जो नीचे वाला विंडो है वो कितने हाइट पे है, उसका लोअर एज कितने हाइट पर, 2 मीटर के हाइट पे, और जो ये ऊपर वाला विंडो है उसका लोअर एज है ना, ऊपर वाले विंडो का कौन सा एज, लोअर एज, ये ग्राउंड से कितने हाइट पे है, 4 मीटर के हाइट पे। ठीक है, इसका पहले वाले विंडो का लोअर एज 2 मीटर के हाइट पे और दूसरे वाले जो विंडो का जो लोअर एज है वो कितने हाइट पे, 4 मीटर के हाइट पे है। ठीक, अब कहा जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए कब बनता है उन्नयन कोण हमारा, कब बनता है, जब हमारा बर्ड क्या होगा, जो विंडो से क्या होगा, थोड़ी ऊपर हाइट पे उड़ रहा होगा, तभी तो हम ऊपर देखेंगे, तभी तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। इसका मतलब बर्ड कहीं यहाँ पे है, मान लीजिए मैं कह देता हूँ यहाँ कोई बर्ड है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द लोअर एज ऑफ द लोअर विंडो इज 60 डिग्री। देखिए लोअर एज ऑफ द लोअर विंडो तो ये है, और यहां से अगर हम इसको देखें, इसको इस तरीके से हम इसको ज्वाइन करवाते हैं, इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं हम लोग।
ठीक है। और एंगल तो हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनता था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये जो एंगल हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। फिर कहा जा रहा है एंड फ्रॉम द लोअर एज ऑफ द अपर विंडो इज 30 डिग्री, ठीक है। ये देखिए लोअर एज ऑफ द अपर विंडो है, यहां से मैं बर्ड को अगर ऐसे देखूं, ठीक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, तो वो कितना बनेगा 30 डिग्री, वो कितना बनेगा 30 डिग्री। इसको मैं यहाँ इस तरीके से ज्वाइन करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नाम कुछ लिख देते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं सपोज ए, फिर बी, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी, यहाँ लिख देते हैं डी, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ई, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एफ, इसको बर्ड को हम लोग लिख देते हैं जी, ठीक है। इस तरीके से फिगर बन गया। अब कहा जा रहा है, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ हाई इज द बर्ड अबव द ग्राउंड, बर्ड जो है वो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है ना। देखिए अगर बहुत ध्यान से समझे हम, तो यहाँ पर जो डीबी है वो कितना 2 है, इसका मतलब सीए इधर इधर भी मैं इसको अगर प्लॉट करता जाऊं तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसका एफ बी कितना है हमारा, 4 है, और डीबी कितना हमारा, 2 है, इसका मतलब एफ डी कितना 2 है, मतलब ये भी देखिए कितना होगा, ये भी तो 2 होगा ना, क्योंकि ग्राउंड से एफ की डिस्टेंस कितनी है, 4 है, ठीक है ना, और डी की डिस्टेंस कितनी है, 2 है, इसका मतलब एफ डी भी कितना होगा, 2 होगा इधर, मतलब इसका इसका मतलब इधर ईसी भी कितना होगा, 2 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब अगर हम लोग जीई हाइट निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा, मैं जीई हाइट को कितना बोल देता हूँ, एक्स बोल देता हूँ, जीई हाइट आते ही जो बर्ड का जो है ग्राउंड से डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 4 हो जाएगा, मतलब एक्स निकालेंगे, एक्स जो आएगा उसमें 4 ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख ही रहे होंगे, ठीक है ना, दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक कौन सा, जीई एफ है ना, इन ट्रायंगल जीई एफ, इन राइट ट्रायंगल जीई एफ, इन राइट ट्रायंगल जीई एफ की हम लोग बात कर रहे हैं, और उसमें हम लोग क्या अप्लाई करने वाले, टैन अप्लाई करने वाले, ठीक है ना। तो टैन 30 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है जीई, जी का मतलब कितना एक्स, बेस कितना ई एफ, ठीक है, और टैन 30 की वैल्यू होती कितनी है, √3, ठीक है, टैन 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, √3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई एफ, ठीक। तो यहां से अगर हम लोग बात करें कि ई एफ हमारा कितना मिलेगा, ठीक है ना, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, टेन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, टेन 30 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/√3, ठीक है ना, टेन 30 इज इक्वल टू, टेन 30 को हमें रखना पड़ेगा 1/√3, ठीक है। तो यहां से हमको ई एफ कितना मिल जाएगा, हमको ई एफ मिल जाएगा √3x, ई एफ हमको कितना मिल जाएगा, √3x, ठीक है। अब देखिए जितना ई एफ होगा उतना ही सी डी होगा, मतलब सी डी भी हमको कितना मिल गया, सी डी भी हमको कितना मिल गया, √3x मिल गया, ठीक है ना। अब सेकंड वाले ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल, फिर से एक ट्रायंगल हमारे पास है, इन राइट ट्रायंगल कौन सा, जी सी डी, राइट ट्रायंगल जी सी डी, इसमें भी हम टेन अप्लाई करेंगे, ठीक है, टेन 60 अप्लाई करेंगे, तो टेन 60 इज इक्वल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन होगा, जी सी होगा, जी सी का मतलब कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2, ठीक है ना, एक्स प्लस 2 अपॉन बेस, बेस हमारा कितना है सी डी, सी डी कितना है, √3x, सी डी हमारा कितना है, √3x, और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो √3 × √3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2, तो यहां से कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, 3x माइनस एक्स करेंगे कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2, तो यहां से हमको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, ठीक है ना। तो बस x 1 आ गया, इसका मतलब देखिए ग्राउंड से कितना हो जाएगा टोटल, बर्ड की हाइट अगर निकालना है, बर्ड की हाइट ग्राउंड से निकालना है तो कितना है, एक्स प्लस 4 है, और एक्स कितना है आपका, 1 आया है, तो 1 + 4 इसका मतलब 5 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 5 मीटर के साथ हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, एट ए पर्टिकुलर लोकेशन ए मोबाइल ऐप शोज दैट देर आर 6, 13 एंड 28 एंड 50 इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, विथ रेडाई ऑफ 1, 2, 3 एंड 4 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, विद इन विच रेडियस द डेंसिटी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन इज लार्जेस्ट, ठीक है। तो देखिए इसको, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, डेंसिटी की बात पूछी जा रही है, डेंसिटी के संबंध में एक फार्मूला आपको मालूम होगा कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है ना। ये हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब वो वॉल्यूम वाला फिगर होगा, है ना, वॉल्यूम वाला फिगर मतलब जैसे सॉलिड सिलेंडर ले लें, सॉलिड कोन ले लें, ठीक है ना। यहां से अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी हमें निकालना है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास अपॉन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एट ए पर्टिकुलर लोकेशन ए मोबाइल ऐप शोज दैट देर आर 6, 13
सिक्स थर्टीन ट्वेंटी एट एंड फिफ्टी इन्फेक्टेड पर्सन विथ रेडाई ऑफ 1, 2, 3, 4 किलोमीटर। मान लीजिए कि ये इसको हम कहीं सेंटर ले लें, तो ये जो 4 किलोमीटर का, ये 1 किलोमीटर के रेडियस में, 1 किलोमीटर के रेडियस में कितने इन्फेक्टेड पर्सन है? 6 है, ठीक है। 2 किलोमीटर के रेडियस में, 2 किलोमीटर के रेडियस में है ना, टोटल कितने कितने हैं इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड कितने हैं टोटल, कितने 13 है, ठीक है ना, इन्फेक्टेड पर्सन। तो इस यहाँ पर देखिए बात यह है कि ये चूंकि 2D का फिगर है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मास को तो देखिए हम लोग क्या लेने वाले हैं, उसमें रहने वाले जो जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं उसको मैं मास लेने वाला, ठीक है ना। और यहाँ वॉल्यूम का रोल कौन प्ले करेगा? एरिया। किसका एरिया? सर्कल का एरिया। वॉल्यूम का रोल कौन प्ले करेगा? सर्कल का एरिया यहाँ पे, क्योंकि 2D का फिगर है ये, ठीक है ना। फिगर किसका है? 2D का फिगर है। तो मास का सेंस यहाँ पे, मास का मतलब उसका वेट नहीं, मास का मतलब वहां पे रहने वाले कितने मरीज हैं, है ना, उस एरिया में कितने मरीज हैं, 6, 13, 28, 50, इसको मैं मास लेने वाला हूँ। और यहाँ पे वॉल्यूम का सेंस किससे होगा? वॉल्यूम का सेंस एरिया से होगा, मतलब ये जो सर्कुलर रेडियस वाला जो सर्कुलर पोर्शन हम लोग खींच रहे हैं उसके एरिया से संबंध यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो जब हम अगर बात करें कि अगर 1 किलोमीटर का रेडियस का अगर देखें तो उसमें कितने हैं? 6 है, तो उसकी डेंसिटी निकालते हैं, मैं उसको रो 1 से लिख देता हूँ, ठीक है। तो मास कितना हो गया हमारे पास? मास हो गया हमारे पास 6, और एरिया, सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई और आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का रेडियस कितना हो गया? 1, 1 का स्क्वायर, तो कुल मिला कितना आ गया? 6 अपॉन पाई आ गया, इसको मैंने रो 1 बोल दिया, ठीक है। फिर इसके बाद रो 2 की अगर हम लोग बात करें, रो 2 का मतलब ये हो गया कि जब 2 किलोमीटर का हम लोग रेडियस ले रहे हैं और उसमें मरीज कितने हैं? 13 है ना, तो कितना हो जाएगा? 13 अपॉन पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये कितना आ गया हमारे पास? 13 अपॉन 4 पाई। इसी तरीके से अगर मैं रो, ये हमारे पास क्या आ गया? रो 2 आ गया, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या था? रो 1 था। अब हम रो 3 निकाल लेते हैं। रो हमारा क्या है? डेंसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए 28 मरीज हैं, तो मास कितना हो जाएगा? 28 अपॉन, यहाँ पे अब का रेडियस हम लोग कितना ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं। 3 का मतलब कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर की बात करें तो कितना हो जाएगा? 9 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा रो 3 हो गया। एक और बचा हुआ रो 4, उसको भी निकाल लेते हैं। तो रो 4 में इन्फेक्टेड मरीज कितने हैं टोटल वहां पे? 50 हैं। इन्फेक्टेड पर्सन कितने हैं? 50, और रेडियस हमारा कितना? 4 है। तो सर्कल, सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? 16 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया, ठीक है। अब देखिए नीचे तो सभी में पाई लगा ही है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, अगर सबकी अगर हम लोग बात करें सभी में पाई लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, अगर कंपेयर करूं, जैसे मैं अगर रो 1, रो 2, रो 3 और रो 4 की अगर हम लोग बात करें, चले पाई तो सभी में है इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं 6, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ 13 बाई 4, रो 2 को लिख लेता हूँ 13 बाई 4, ठीक है। रो 3 को मैं लिख लेता हूँ 28 बाई 9, और रो 4 को मैं लिख लेता हूँ 50 अपॉन 16, ठीक है ना। तो देखो 13 बाई 4 का मतलब ये हो गया, 13 बाई 4 का मतलब 3.25, ठीक है। ये डेंसिटी आ जाएगी, पहले वाले का डेंसिटी कितनी? 6। दूसरे का डेंसिटी कितना होगा? 3.25, ठीक है ना। उसका तीसरे की डेंसिटी 28 को 9 से डिवाइड करेंगे आप कितना आ जाएगा? 3.11। और यहाँ पे 50 को 16 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 3.12 आ जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे हो कि इसमें से किसकी डेंसिटी हाईएस्ट है, ये पहले वाले की डेंसिटी हाईएस्ट है, इसका मतलब जो ये 1 किलोमीटर वाला जो रेडियस है उसमें जो रहने वाले मरीज हैं इन्फेक्टेड पर्सन वो कितने? 6 हैं। उस एरिया में डेंसिटी क्या है? हाईएस्ट है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, कौन से रेडियस में जो डेंसिटी है आप इन्फेक्टेड पर्सन वो लार्जेस्ट होगी। 1 किलोमीटर वाला जो रेडियस है उसमें रहने वाले जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं उनकी डेंसिटी क्या होगी? लार्जेस्ट होगी। तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाने हैं, तो आगामी आने वाले लेक्चर्स में इसको मैं क्रमशः इनके सॉल्यूशंस को मैं अपलोड करूंगा। तब तक आपका देखिए आपको मालूम ये भी होगा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ना उसने स्टूडेंट का रिस्पॉन्स शीट जारी कर दिया है, मतलब अगर आप नेट के एग्जाम जो दिए हैं, CSIR नेट का एग्जाम अगर आपने दिया है जो 16 फरवरी को हुआ है, तो अपना रिस्पॉन्स शीट आप जो है उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप, वहां पे आंसर की वगैरह भी बता दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। आपका कोई ऑब्जेक्शन है तो वहां पे ऑब्जेक्शन भी आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू वेरी मच।